जी नादिन, आपको जैसे मालूम है कि ऐसे हम मून मार्केट में खड़े हैं, मून मार्केट में ऐसे हम खड़े हैं। ये चाइनीज, इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा सेटअप बनाया हुआ, अपना एक छोटा सा एक ठेला सा लगाया हुआ है। चाइनीज़ खाना है इनके पास और बड़ा फेमस इनका फूड है, और बड़ी बड़ी दूर से दुनिया इनके पास इनका टेस्ट करने के लिए आती है। उधर कोई कस्टमर बैठे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अजीक। अजीक, आप बताएं क्या करने आए आप इधर? मैं इधर खाने आया था। क्या खाने आए? चाइनीज खाने आए आप? लेग पीस। लेग पीस खाने आए हैं, पहले भी आते हैं खाने के लिए? कैसा टेस्ट है इनका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? हुडम। हुडम, ये बताएं क्या करने आए आप? हम खाने आए हैं। क्या खाने आए हैं? चाउमीन। चाउमीन खाने आए हैं? अच्छा, तो आप पहले भी खाने आते हैं चाउमीन? कैसा टेस्ट है इसका? अच्छा। हाँ जी, आप माशाल्लाह बड़ा हंस रही हैं, दान निकाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम आपका? मरियम। जी मरियम भाजी, बताएं क्या करने आई हैं आप इधर? क्या क्या करने आए हैं आप इधर? खाने आई। क्या खाने आई हैं? मंचूरियन। मंचूरियन खाने आई हैं? तो पहले भी टेस्ट किया मंचूरियन आपने? हाँ। कैसा टेस्ट है इसका? अच्छा है। अच्छा है। ये देखे नादिन, ये बच्चे हैं जिनको ये मंचूरियन खाने आए हैं, और ये बड़े शौक से आते हैं, पहले भी आते जाते रहते हैं खाने के लिए। तो अब इनसे बात करेंगे जो भाई बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? सोहराब बलती। जी मेरी जान, आप ये बताएं ये क्या बना रहे हैं आप? ये मैं फ्राइड राइस बना रहा हूँ। फ्राइड राइस बना रहे हैं? तो कब से आप इधर काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमें माशाल्लाह 1.5 साल हो गए। और कैसा सेटअप है आपका? लोग बड़ा माशाल्लाह पसंद करते हैं आपको, लोग पसंद कर रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी दूर से आपके पास खाने के लिए आते हैं हम आपके पास इंटरव्यू करने के लिए। तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। आप लोग कहाँ से आए हैं? पीछे से कहाँ से आप? पीछे हम स्कर्दू से हैं और यहाँ पे माशाल्लाह 1.5 साल से कर रहे हैं। स्कर्दू से हैं आप लोग? ठीक हो गया जी। अब ये बताएं कि ऐसा खाने में क्या डालते हैं जो लोग इतना पसंद करते हैं? बस प्यार ही डालते हैं। अच्छा, प्यार डालते हैं। हाँ जी, प्यार की ताकत ही है जो लोगों को खींच के लेके आती है। तो अभी क्या तैयार कर रहे हैं आप? मैं अभी वेजिटेबल चाउमीन लगा रहा हूँ। वेजिटेबल चाउमीन, ये जरा हमारे कैमरामैन को दिखाएंगे आप जरा किस तरह तैयार करते हैं अपनी डिश। जी मेरे, आप देखेंगे आप नाजनी हमें दिखाएंगे कि किस तरह इनकी डिश तैयार होती है। तो देखते हैं, और इनके बाद इनके जो ओनियन फ्राइड हो जाए थोड़े से, तो हम ये जो दो भाई खड़े हैं माशाल्लाह बड़े प्यारे, इनसे कोई बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? वसीम अली। जी वसीम भाई, आप हमें ये बताएं कि आप कब से इधर काम कर? यहाँ पे हम 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया। तो बड़ा लोग आपको पसंद करते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टेस्ट है आपका, लोग लाइक करते हैं आपको, किस तरह का फील होता है, क्या फील करते हैं? बस ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना हमको इज्जत मिले यहाँ पे, टेस्ट हमारे से, हमारे शेफ साहब के हाथ में इतना टेस्ट है हमारा, और प्यार इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें ये बताएं जनाब कि आप जो लॉकडाउन से पहले का जो बिज़नेस है और लॉकडाउन के बाद का जो बिज़नेस है, इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल हो गया। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में बहुत अच्छा था, लॉकडाउन में पहले क्योंकि लॉकडाउन से हो गया, उसके बाद थोड़ा यानी कम हो गया हमारा, जितने भी काम यानी हमारा काम भी कम हो गया, हमारे कस्टमर भी कम आने क्योंकि कोरोना की वजह से। चाहे कोरोना की वजह से, अभी जब ये लॉकडाउन खुल गया तो पहले जैसे कस्टमर नहीं आ रहे अभी? यार अभी नहीं आ रहे। और वैसे भी तो ईद वगैरह गुजरी है, लोग घरों में गोश्त वगैरह खा रहे हैं, मुहर्रम की वजह से भी लोग बाहर नहीं आ रहे। जी ठीक हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने क्या लगाया हुआ है? चिकन बिरयानी लगाई है। चिकन बिरयानी लगाई है जी आपने, और माशाल्लाह आप दिखाएंगे ज़रा क्या भेज रहे हैं आप? हाँ जी, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो माशाल्लाह जी इनकी बड़ी अच्छी बिरयानी लग रही है, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सर मैं बताएं सर, लॉकडाउन से पहले जो बिज़नेस था और लॉकडाउन के बाद क्या फ़र्क पड़ा बिज़नेस? अभी तो लॉस में जा रहे हैं, अब उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो गया। अरे इंशाल्लाह ताला, आपका जो इतना अच्छा सेटअप अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, मेरी दुआएं आपके लिए। तो हमें ये बताएं कि आप हुकूमत-ए पाकिस्तान से कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं? हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें खुल के काम करने दिया जाए, और जो चीज़ें इतनी महंगी हुई उसे थोड़ा कम किया जाए ताकि हमारा काम अच्छा हो, हम आगे रिलीफ दे सकें। जी नादिन, जैसा कि आपने सुना कि हमने हुकूमत के बारे में पूछा, तो ये भाई क्या बयानियाँ ये है कि हमारी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ख्याल किया जाए हमारा, जो चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं, जो चीज़ें इतनी महंगी हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग खुल के अपना काम कर सकें। तो अपनी रिज़्क़ हलाल को हम लोग ईजी तरीके से इसको कमा सकें और अच्छे तरीके से खा सकें। थैंक यू जी। 110 प्रॉपर्टी एडवाइज़र की जानिब से बिजनेसमैन अफराद के लिए खुशखबरी,
अब आपका क्लाइंट आपकी एक फ़ोन कॉल पर, सोसाइटी मालकान अफराद के लिए गोल्डन मौका, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग फॉर ऑल सोसाइटीज़, कमीशन डिस्काउंट, किराए पर घर लेने और देने पर 30% डिस्काउंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम हो हमें बताएं, सोसाइटी मालकान, प्लाजा मालकान, घर जायदाद, दुकानें, ज़री रकबा जात किराए पर देने के लिए और बेचने के लिए हमसे रابطہ करें, शुक्रिया। मोबाइल नंबर 03216666395, मोबाइल नंबर 03095333311। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 110 न्यूज़, हमारे वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें।